Guys, good evening. Today my next topic is job after M.Pharm. तो आज के हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि after M.Pharm हमारे पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है इन फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल और मेडिकल। तो लगभग हमने इसमें 20 प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी रखी हुई हैं जो आप after M.Pharm ज्वाइन कर सकते हो। तो लेट्स सी, डिस्कस वन बाई वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग कंट्रोलर, ये ड्रग कंट्रोलर मोस्टली जब आप M.Pharm कंप्लीट कर लेते हो और ये मोस्टली ये अंडर गवर्नमेंट के अंदर ये वैकेंसी आती है ड्रग कंट्रोलर। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर भी आप M.Pharm के बाद ज्वाइन कर सकते हो। कुछ जगह पे फ्रेशर को ले लेते हैं, कुछ जगह पे आफ्टर एक्सपीरियंस वो प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट प्रोवाइड कराते हैं आपको। नेक्स्ट आपका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें आपका पेटेंट आते हैं, ट्रेडमार्क आता है और कॉपीराइट्स वगैरह आते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर का बेसिक मतलब होता है कि अपना एक बिजनेस, अपना खुद का एक सेटअप तैयार करना, दैट इज एंटरप्रेन्योर। तो आप खुद एक बिजनेसमैन हो सकते हो आफ्टर M.Pharm। और हायर एजुकेशन, नेक्स्ट हमारा हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के बाद आफ्टर M.Pharm आप M.Pharm PhD ज्वाइन कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट हमारा है मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग जैसे आप एज ए मेडिकल कोडिंग ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी डिजीज की कोड की जाती है या फिर कोई ड्रग पहले रिसर्च में आती है तब भी उसको कोड करते हैं अपनी लैब में, तो इसलिए उसको बोलते हैं मेडिकल कोडिंग, मेडिकल कोडर। नेक्स्ट हमारा है फार्माकोविजिलेंस मींस PBE। इसमें हम ड्रग का असेसमेंट, मॉनिटरिंग और कंट्रोल करते हैं उसका साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस है कि किसी भी जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या फिर CROs हैं उसमें क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है जो क्वालिटी को एश्योर करता है। नेक्स्ट हमारा है एब्रॉड। आफ्टर M.Pharm आप कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेके, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस लेके आप एब्रॉड में भी ट्राई कर सकते हो, लाइक नेपलेक्स है आपका MOH है या फिर DHA है। नेपलेक्स आपका मोस्टली USA के लिए होता है, MOH DHA आपका दुबई के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब कोई प्रोडक्ट हमारा बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसकी क्वालिटी हमें मेंटेन करनी पड़ती है और देखनी पड़ती है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। देन हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स मीन्स होता है जब कोई प्रोडक्ट हमारा बनता है या कोई रिसर्च हो रही होती है तो जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो वो किसी कंट्री का होगा। लाइक अगर इंडिया में उस प्रोडक्ट की रिसर्च हो रही है तो इंडिया की जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारी CDSCO है, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो डिपार्टमेंट हैंडल करता है रेगुलेटरी अफेयर्स, आल्सो नोन एज RA। नेक्स्ट है मेडिकल रिव्यूअर। मेडिकल रिव्यूअर हमारे जैसे कोई प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहा है या फिर कोई टाइटल डिजाइन हो रहा है तो उसको रिव्यू करते हैं, दैट इज मेडिकल रिव्यूअर। उसके बाद हमारा है रिसर्च एजेंसी। रिसर्च एजेंसी में आपकी गवर्नमेंट लैब भी हो सकती है, लाइक CSIR, NVRI एंड CRO भी हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब कोई इंडस्ट्री आपको एक प्रोजेक्ट दे रही है आप उस प्रोजेक्ट को हैंडल करते हो। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दो मीडिएटर के बीच में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, दैट इज CRO। ड्रग एनालिस्ट भी एक गवर्नमेंट की पोस्ट होती है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो आफ्टर M.Pharm आप ज्वाइन कर सकते हो ड्रग एनालिस्ट। नेक्स्ट हमारा टीचिंग एकेडमिक्स में, आफ्टर M.Pharm चाहे आप फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फार्माकोलॉजी किसी भी डिपार्टमेंट हो, तो आप टीचिंग एज ए टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है फार्मा इंडस्ट्री, तो फार्मा इंडस्ट्री में भी जा सकते हो किसी भी पोस्ट पे आप अगर आप M.Pharm हो। नेक्स्ट है हमारा जो सबसे अच्छी पोस्ट है इंडस्ट्री की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D एंड F&D मतलब फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, दोनों हमारी बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है। जूनियर साइंटिस्ट होते हैं इसमें या फिर एग्जीक्यूटिव साइंटिस्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्रग कंट्रोलर। ड्रग कंट्रोलर भी हमारी सबसे अच्छी पोस्ट होती है एज ए गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने कुछ डिस्कस किए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू M.Pharm के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ इसमें जो हमारी वैकेंसीज है हम एज ए फ्रेशर को ज्वाइन करा लेते हैं, कुछ को फ्रेशर के बाद कुछ साल का जब एक्सपीरियंस होता है तब उन्हें उस पोस्ट को देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।